हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अमेज़न हॉल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी रिलेटेड स्टफ़। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड इससे पहले मैंने अमेज़न के काफ़ी सारे हॉल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं फैशन एंड ब्यूटी रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग वो एक बार चेकआउट कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर जो भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्राइस आपको स्क्रीन पर मैं मैंशन कर दूँगी। इस अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहले मैंने परचेस किए थे ये मेकअप ब्रशेस का सेट, एंड मेरे पास ऑलरेडी मेकअप ब्रशेस थे बट क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी तो मेरे को मेकअप ब्रशेस ख़रीदने थे नए वाले। सोचा मैं मिनीसो के यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि मिनीसो के मेकअप ब्रशेस के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि काफ़ी अच्छे होते हैं एंड प्राइस भी इनका ज़्यादा नहीं है। 12 ब्रशेस का सेट है, तो इसमें पाउडर ब्रश है एंड आई शेडो के लिए काफ़ी सारे ब्रशेस दिए हैं, आईलाइनर के लिए भी आपको ब्रश मिल जाएगा। एंड आज मैंने जो मेकअप लुक किया है वो मैंने इन्हीं ब्रशेस को यूज़ करके किया है। तो अगर आप लोग मेकअप सीखते हैं और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप इस ब्रशेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, आपको 500 में पाउडर ब्रश भी मिल जाएगा, आई शेडो के सारे ब्रशेस मिल जाएंगे एंड लाइनर वगैरह के भी, तो मेरे को ये परफेक्ट लगा। तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैंने परचेस की थी न्यूट्राजीना की सनस्क्रीन, एंड क्योंकि मेरे को ना किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन सूट नहीं करती है, मैंने ना बहुत सारे ब्रांड्स की सनस्क्रीन यूज़ करके देखी है एंड मुझे किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन सूट नहीं करती है, मेरे को हमेशा एक्ने हो जाते हैं उससे। मैंने इस सनस्क्रीन के बारे में ना बहुत ज़्यादा सुना था तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। एंड भी 50+ SPF है इसमें एंड 30 ml की ट्यूब है, एंड इसका जो प्राइस है वो इसमें तो नहीं लिखा है बट ये 400 समथिंग की है। तो मुझे अभी यूज़ करते हुए इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड जितना मैंने यूज़ किया है तो अभी तक मुझे इससे कोई एक्ने नहीं हुआ है एंड आई होप ये मेरे लिए वर्क करे, क्योंकि सनस्क्रीन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किन केयर में एंड वही मेरे को किसी भी ब्रांड की सूट नहीं कर रही थी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड इसको जब अप्लाई करते हैं ना तो स्टिकी फील नहीं होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, इसलिए आप भी इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने ये न्यूट्राजीना का फेमिंग क्लेंज़र लिया एंड ये मेरा सेकंड पैक है इसका। तो मेरे को ना एक्ने इशू था तो तब मैं यही क्लेंज़र यूज़ किया करती थी, एंड इसका जो प्राइस है वो है 320 रुपीज़, एंड 320 में ना ये 100 ग्राम्स का ठीक है क्योंकि ना बहुत टाइम तक चल जाता है। एंड यस, अगर आप लोगों को एक्ने है ना तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसके लिए ये। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने परचेस किया था ये लोटस का फेस वॉश। तो जब इसे परचेस करते हैं तो सिंगल नहीं आता है, ये दो आता है, तो सेकेंड वाला मैं यूज़ कर रही हूँ एंड ये भी 100 ग्राम्स का है एंड इसका जो प्राइस है वो है 260 रुपीज़। तो 260 में आपको ये एक पैक मिल जाएगा एंड इसकी जो स्मेल है ना, जो फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया करती थी एंड वो मेरा ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने ये भी परचेस कर लिया, क्योंकि मैं फेस वॉशेस, शैम्पूज़, ये सब ना थोड़े थोड़े टाइम बट चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे ना तो फिर वो ना उतना वर्क नहीं करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं करती है, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करती रहती हूँ। तो यस, फिर मैंने ये फेस वॉश भी ले लिया एंड ओके। फिर नेक्स्ट मैंने परचेस की थी मेकअप रेवोल्यूशन की फॉरएवर फ्लॉलेस आई शेडो पैलेट, एंड शेड्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैट भी है, शिमर भी है, एंड क्योंकि ना मैं अभी तक जितनी भी आई शेडो पैलेट्स थी ना उनके शिमर शेड्स मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, वो जो पिगमेंट आता था वो इतना ज़्यादा नहीं आता था, तो मैंने सोचा मैं मेकअप रेवोल्यूशन का शिमर शेड भी काफ़ी ज़्यादा सही है इसके। अभी कैमरे में आपको इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट है, बट या ओवरऑल मेरे को क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड अगर मैं इसे एक डिप में ही अप्लाई कर लूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर है, न्यूड पैलेट है अगर आप, तो इससे आप कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं न्यूड शेड में को यूज़ करके। एंड आप लोगों को थोड़ा पॉप ऑफ कलर चाहिए तो आई इसके मेकअप रेवोल्यूशन की और भी पैलेट्स हैं तो आप वो परचेस कर सकते हैं। एंड यस, इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखने में भी, एंड इसका जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है। एंड परचेस किए थे गुड वाइब्स का लिप सीरम एंड ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई डोंट नो ये मेरी कौन सी बॉटल है, क्योंकि ना मैं इसे जो मेरा डेली स्किन केयर रूटीन होता है मैं उसमें इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है ये, बहुत ही लाइट वेटेड है, 10 ml में भी आती है आई गेस, हाँ इसकी बड़ी बॉटल भी आती है बट मैं ये 10 ml वाली ही यूज़ करती हूँ हमेशा एंड मैं एक साथ दो या तीन मंगा लेती हूँ।
तो यस, फिर मैंने ये इसको रीपर्चेस किया है। एंड फिर नेक्स्ट मैंने लिया था ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, एंड ये मैंने मिनी पैकेट लिया था इसका क्योंकि मेरे को ट्राई करना था। मेरे ना फाउंडेशन के सेट सही नहीं आते हैं एंड ये भी डार्क ले लिया मैंने। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा एंड मेरे को ट्राई ही करना था, तो मैंने ये वाला पैकेट ले लिया। एंड इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने परचेस किया था स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एंड इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज़। एंड 249 में मुझे ये मेकअप फिक्सर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसे थोड़ा सा दूर से स्प्रे कर लो। जो मुझे इसकी नहीं पसंद है, इसकी फ्रेग्रेंस ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है एंड इस बजट में ये बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आप मेकअप इसे काफ़ी टाइम तक स्टे रहता है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेना क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, 249 का है, तो आप इसे ट्राई तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने ये स्विस ब्यूटी की दो मिनी लिक्विड लिपस्टिक ली थी। इसका जो शेड है वो है 2 Hot for Date Night 7 एंड इसका जो कलर है ना बहुत ही रिच मेहरूनिश कलर है, ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। अगर आप लाइट मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा डार्क लिप्स कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। रेड का ना बहुत ही डार्क टोन है ये, तो ये बहुत अच्छा लगेगा सिंपल मेकअप लुक के साथ। एंड क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं तो स्टे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक करती हैं, तो ये मैंने ये ले ली थी। एंड देन नेक्स्ट मैंने ली थी आई वोक अप लाइक दिस 3 एंड इसका भी जो शेड है ना वो बहुत ही प्यारा सा न्यू शेड है एंड क्योंकि वो बहुत डार्क था तो फिर मैंने नेक्स्ट न्यू शेड भी ले लिया। पीच का बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।